और खबर श्रावस्ती जनपद से आ रही है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पौत्री अंजलि मिश्रा श्रावस्ती पहुंची हैं और 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पौत्री एवं हरियाणा से भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अंजलि मिश्रा ने महामंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अंजलि मिश्रा ने रविवार को मुख्यालय भिंगा पहुंचकर दीपवाटिका मैरिज लॉन में पत्रकारों के साथ एक प्रेसवार्ता आयोजित की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा निर्धारित एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को देखते हुए हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चा के पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले एक वर्ष पूर्व श्रद्धेय अटल जी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने हेतु मैं बलरामपुर आई थी और उनसे जुड़ी स्मृतियों को एकत्रित करने हेतु उनसे जुड़े परिवारों में जाना हुआ, जहां पर मुझे अपार स्नेह मिला तथा उनकी आंखों को नम होते हुए देखा और उनके सुझाव अनुसार स्मृतियों को एकत्रित करने हेतु अनेक गाँव में प्रवास करती रही। इस बीच भाजपा सहित संघ विचार परिवार के अनेक कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ, तभी से श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में काम कर रही हूँ तथा अब तक करीब 600 ग्राम पंचायत का भ्रमण कर चुकी हूँ। महिला होने के नाते सबसे पहले महिलाओं के लिए कार्य करना चाहूँगी। यहाँ की महिलाओं में शिक्षा का स्तर बहुत कम है और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं है। इन सभी विषयों को लेकर सबसे पहले काम करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि अब तक के प्रवास के दौरान असंख्य भाजपा कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों व अटल जी से जुड़े परिवारों द्वारा एक ही पंक्ति अवधि में निवेदित होती रही, बिटिया अब आई गई हो तो जायो ना। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक आदर्श बाबा अटल बिहारी वाजपेयी जी की बलरामपुर प्रथम राजनीतिक कर्मभूमि रही है। बलरामपुर से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी तथा पहली बार बलरामपुर से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 58 लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती बलरामपुर से चुनाव लड़ने का मन बनाया है और यदि पार्टी टिकट देती है तो क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहूंगी। उन्होंने कहा कि बलरामपुर क्षेत्र की जनता उनके लिए एक परिवार की तरह है। यही वजह है कि जहां भी जिस गांव में जाती हूं तो अटल जी के चाहने वाले मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर पार्टी एवं सार्वजनिक मंचों पर मुद्दों को उठाएंगी तथा क्षेत्र के बहुआयामी विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। देश की महिलाओं को भाजपा और प्रधानमंत्री ने हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो काम पिछले 75 वर्षों में कोई नहीं कर सका वह प्रधानमंत्री मोदी ने करके दिखाया है तथा महिला आरक्षण बिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है और मैं ग्वालियर की बेटी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि मैं परिवार से जुड़ी हुई हूँ वाजपेयी जी के, तो मैं उनकी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी बहन बिमला मिश्रा जी की पौत्री हूँ। मेरा पूरा पालन पोषण, मेरी शिक्षा दीक्षा सभी कुछ ग्वालियर में हुई। अब लगातार आप कल बताई भी हैं कि हम यहाँ के उम्मीदवार हैं जी। अगर उम्मीदवार हैं तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। राप्ती नदी यहाँ पर प्रभावित करती है, जिले को दो हिस्सों में बांटती है। किन मुद्दों को लेकर आप फील्ड में आ रही हैं? कल भी मैंने जब बलरामपुर में मेरी पत्रकार वार्ता थी तो मैंने वही बात कही थी कि स्वयं एक महिला हूँ तो सबसे पहले महिलाओं के लिए कार्य करना चाहूँगी, क्योंकि महिलाओं का जो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत कम है और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं है। आपने खुद कहा कि यहाँ लघु उद्योग नहीं है, अगर लघु उद्योग होती या कोई उद्योग होता, कोई रोजगार पर व्यवस्था होती तो शायद वहाँ उत्तराखंड में हमारे 6 मजदूर न फंसते जो 17 दिन जिंदगी करके लौटे हैं वापस। जी बिल्कुल सही, जो मैंने आपसे स्वयं ही कहा कि लघु उद्योग होते तो लोगों को रोजगार मिलता है और जब रोजगार मिलता है तो आर्थिक स्तर ऊँचा होता है, आर्थिक स्तर ऊँचा होने से विकास की तरफ अपने आप ही। अच्छा, बेरोजगारी भी काफ़ी हद तक यहाँ बढ़ी हुई है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में पिछड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश का जिला, इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही पूरा माना जाता है। इसी के लिए यही मेरी प्राथमिकता होगी। अगर ईश्वर ने मौका दिया, विशेष दिन तक मैंने मुझ पर विश्वास जताया, तो मेरा सबसे पहला कार्य यही होगा शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। जमुना भी सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ भी आपने भ्रमण किया है। श्रावस्ती के साथ साथ बलरामपुर में आप दौड़े हैं, देखे भी हैं, लोगों से मुलाकात की है, और क्या मुद्दे यहाँ पर मिले हैं जो उठाने लायक हैं?
देखिए मैं लगातार प्रवास पे रही हूँ, 600 से 700 गांव तक लगातार मैंने प्रवास किया, चाहे वह जमुना ब्लॉक हो, चाहे वो बलरामपुर का कोई भी ब्लॉक की बात कर रहे हैं आप, हर जगह मैं गांव तक गई हूँ, और हिसार से लेके मोतीनगर से लेके गैसरी सब जगह। जो सबसे पहले आपसे मैंने मेंशन की ये बात कि महिलाओं में जागरूकता का अभाव हर चीज़ को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर, सबसे पहले उनके लिए काम करना पड़ेगा। और काम करने की देखिए बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जो द्रुत गति से विकास होना चाहिए था, उस गति से नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिनिधि जीवन में यहाँ अपना किस्मत आजमाना चाहती है, जिससे आपको ये आसान लग रहा है कि उनके नाम की वजह से आपको चुनाव जीतने में आसानी होगी, इसलिए आपने चुनाव भी लिया। देखिए मेरा राजनीतिक सफर आज का नहीं है, मैं एकदम से नहीं आई हूँ, हरियाणा में मेरी राजनीति रही है और अभी भी मैं वहाँ पर प्रदेश महामंत्री हूँ महिला मोर्चा की। लेकिन पहले भी अभी मैंने बताया कि कुछ होता है, कुछ योग होते हैं, और एक मन में इच्छा थी, ये कभी ना कभी बात होती थी तो बलरामपुर का जिक्र किया जाता था, तो एक इच्छा थी कि अगर काम किया, कभी मौका मिला तो बलरामपुर के लिए जरूर करूंगी, श्रावस्ती के लिए जरूर। बल्लापुर में बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है, हमेशा पिछले चुनाव में देखा जाए तो बल्लापुर में बीजेपी को अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन श्रावस्ती में बैक हो जाती है, तो यहाँ वोटरों को बढ़ाने के लिए, बीजेपी का फील्ड बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रयास किया है, उसके लिए आप क्या आगे बढ़ना चाहिए? देखिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस समय लगातार बूथ स्तर तक काम कर रहा है, हम लोगों ने पन्ना प्रमुख बनाया, आज भी हमारा वोटर चेतना अभियान कैंप आज भी लगे हैं, इसके बाद मैं वहीं जाऊँगी। और आपको एक बात कहना चाहूँगी, शायद ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास यहाँ की जनता पे भी है, यहाँ के लोगों के लिए भी है, जिन्होंने इतना प्यार हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया है, तो वो उसका अगर 10% प्यार भी मुझे दे देंगे, अपनापन दे देंगे, तो ये विश्वास दिलाती हूँ कि भिंगा की जो स्थिति है या श्रावस्ती में जो आप कह रहे हैं कि भाजपा पीछे रहती है, तो इस बार नहीं रहेगी।